अब यहाँ पर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं। जब दो फंक्शन डिवाइड होंगे तो कैसे लिखोगे? दूसरा इनटू पहले का डेरिवेटिव माइनस पहला इनटू दूसरे का डेरिवेटिव होल डिवाइडेड बाय दूसरे का स्क्वायर। चला ये एडिटिव कॉपी होगा। ये कह रहे हैं E का डेरिवेटिव, जनाब E का डेरिवेटिव वही आता है, सही है जनाब? ये E कॉपी हो जाएगा और अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x आएगा। नीचे क्या लिखा है जनाब? x स्क्वायर प्लस 1 का जनाब ex यहां भी ex वहां भी क्या हो जाएगा? कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x। जनाब कोई फॉर्मूला बन रहा है यहां पर? बिल्कुल बन रहा है। a स्क्वायर प्लस 2ab नहीं x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। कौन सा बड़ा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या बन जाएगा? a माइनस b का और अपॉन में क्या जनाब? x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर आप चाहो तो इन दोनों को होल स्क्वायर बना के लिख सकते हो, वरना अलग अलग स्क्वायर भी ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। बात समझ आ गई?